फिट रहने वाले लोग अपना जिम किसी भी कीमत पर मिस नहीं करते। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी को अक्सर ट्रेडमिल पर पसीना बहाते देखा जा सकता है। खासकर सर्दियों में जब फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और स्वादिष्ट व्यंजनों की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। वहीं कुछ लोग ये सोचकर जिम हद से ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं कि इससे ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी, और इसी चक्कर में वो जाने अनजाने कई गलतियां कर देते हैं जिनसे बचना चाहिए। जिम में जाने वाले सभी लोगों के लिए ट्रेडमिल पर दौड़ना एक लोकप्रिय कसरत है। आपको बहुत आसानी से ऐसे लोग दिख जाएंगे जो 40 से 50 मिनट तक इस पर दौड़ते रहते हैं और बस फिर चले जाते हैं। बेशक कार्डियो वर्कआउट कैलोरी बर्न करने में मदद करते हैं, लेकिन बहुत अधिक करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कार्डियो करने की एक सीमा होती है, जैसे अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो हमेशा 20 मिनट से शुरुआत करने की सलाह दी जाती है। फिर कुछ वेट ट्रेनिंग करें और 10 मिनट ट्रेडमिल वॉक के साथ कूल डाउन करें। सभी को एक साथ करने से आपका शरीर डिप्लेशन मोड में चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियां बनती हैं। इसलिए एक निश्चित समय और अपने शरीर के हिसाब से ही ट्रेडमिल पर दौड़ लगाएं। मशीन वर्कआउट शुरू करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं डंबल और बारबेल जैसी फ्री वेट पर शिफ्ट होना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मशीनों पर ज़्यादा भार उठाने के लिए निर्भर रहते हैं और इससे आप खुद की क्षमता का कम इस्तेमाल करते हैं, जो ताकत हासिल करने के लिए ज़रूरी है, और मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल इसमें रुकावट ला सकता है। इसके अलावा मशीन के इस्तेमाल के दौरान एक समय में केवल एक ही मांसपेशी को प्रशिक्षित करते हैं, जबकि आप मैनुअल लिफ्ट करने से एक साथ 2 से 3 मांसपेशियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। भारी वजन उठाने का केवल एक ही फायदा होता है, वहीं दूसरी ओर लाइट वेट मुख्य रूप से वार्म अप करने या शुरुआती लोगों के सीखने के लिए उपयुक्त हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वजन कम करना चाहते हैं या मांसपेशियों का निर्माण करना चाहते हैं। आपको हमेशा ऐसा वजन चुनना चाहिए जो आपकी क्षमता का 70% हो। यदि आप उस वजन के साथ 12 से 15 सेट्स पूरे कर सकते हैं तो ये वजन आपके लिए उपयुक्त है या नहीं, इसका सबसे अच्छा संकेत है। ये एक आम गलतफहमी है कि सेट के बीच आराम की अवधि 2 से 5 मिनट तक हो सकती है। वास्तव में यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको व्यायाम जल्दी करना चाहिए और 30 सेकंड से अधिक आराम नहीं करना चाहिए। इस तरह अगर आप मसल्स बनाना चाहते हैं तो आपको 2 मिनट से ज़्यादा आराम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी अपने शरीर को सुनना और ये देखना सबसे अच्छा होता है कि उसे कितना आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि इससे पहले कि आपकी हृदय गति सामान्य हो जाए आपको अगले वर्कआउट की ओर बढ़ना चाहिए। हालांकि हर व्यक्ति के शरीर की बनावट अलग है, ऐसे में आपको एक्सपर्ट को भी हमेशा साथ रखना चाहिए।